हेलो, आज हम लोग अलजेब्रा में पढ़ेंगे इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं, राइट? इक्वेशन हिंदी में हम लोग चले समीकरण बोलते हैं। समीकरण जब दो बीजगणित या पक्ष परस्पर बराबर होते हैं तो एक इक्वेशन का निर्माण होता है। इक्वेशन में दो पक्ष होते हैं, दायां पक्ष और बायां पक्ष। इंग्लिश में इसे राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, राइट? कोई भी इक्वेशन लेते हैं उसका हमेशा दो पक्ष होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 2x + 1 = 0। ये इस तरह करके देखने को मिलेगा, ये एक इक्वेशन है, हमेशा इसका दो पक्ष होता है। इक्वल के पहले जो था उसको एक, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसके बाद हम लोग राइट हैंड साइड बोलेंगे। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2x = 1। ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड, राइट? इस तरह करके हम लोग इक्वेशन को देखते हैं और लिखते भी। समीकरण के दो प्रकार होते हैं, राइट? पहला है सिंपल इक्वेशन और दूसरा है इक्वेशन विद टू वेरिएबल। अब हिंदी बोला जाए सरल सिंपल इक्वेशन को हिंदी में सरल समीकरण बोलते हैं और इक्वेशन विद टू वेरिएबल को हम लोग युग्मक समीकरण बोलते हैं। अब देखेंगे कि सरल समीकरण में क्या होता है, किसे कहते हैं, राइट? सरल समीकरण में वो समीकरण है जिसमें हम लोग अज्ञात वैल्यू, एक अज्ञात वैल्यू का वैल्यू निकालते हैं, एक अज्ञात नंबर का वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। और दूसरा होता है इक्वेशन विथ टू वेरिएबल में हम लोग दो अज्ञात नंबर का वैल्यू निकालते हैं, तो ये दो या दो से अधिक अज्ञात नंबर का इसमें वैल्यू निकालते हैं, जिन्हें हम युग्मक समीकरण बोलते हैं। तो चलिए सरल समीकरण को हम आपको बताना चाहेंगे, सिंपलीफाई करना चाहेंगे, राइट? सरल समीकरण का मैंने क्या बोला, जिनका एक, जिसमें एक अज्ञात वैल्यू का वैल्यू निकालते हैं, राइट? एक अज्ञात नंबर का वैल्यू निकालते हैं, जिसे हम ऐसा भी बोल सकते हैं जिसमें एक वेरिएबल हो और उसका वैल्यू निकालेंगे, राइट? मतलब कि एक अननोन रहेगा इसमें, राइट? तो चलिए हम सरल समीकरण को देखते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, मान लीजिए यही इक्वेशन यहाँ ले लिए, एक सरल इक्वेशन है जिसका एक वेरिएबल है ओनली, हमको एक अज्ञात नंबर का हमको वैल्यू निकालना है। तो अगर हम यहाँ देखना चाहेंगे कि 2x + 3 = 0, इसमें हमको केवल एक अज्ञात है, क्या है, x अज्ञात है, इसका वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, 2x इसको इधर लेके जाएंगे क्या होगा, -3, राइट? अब यहाँ से x इक्वल टू ले सकते हैं -3/2, तो ये x का वैल्यू हो गया, राइट? ये सरल समीकरण कहलाता है। फिर हम लिखेंगे इक्वेशन विद टू वेरिएबल, उसमें भी हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग ने देखा सरल समीकरण, राइट? अब दूसरा देखते हैं युग्मक समीकरण क्या होता है, इक्वेशन विद टू वेरिएबल, मतलब कि जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक समीकरण। इसमें से दो अज्ञात नंबर का वैल्यू निकालते हैं हम लोग, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं युग्मक समीकरण। युग्मक समीकरण भी दो प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, पहला है एलिमिनेशन मेथड और दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? अब हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस सरल समीकरण से, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे युग्मक समीकरण में जो दो पार्ट्स है, और दोनों पार्ट्स से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे और हम लोग ये सीध करेंगे कि दोनों से सेम रिजल्ट आता है, राइट? तो चलते हैं सरल समीकरण के कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
अब हम एक क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एक बार पूछा गया है 2005 में, राइट, एनसीबीटी द्वारा पूछा गया है 2005 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है एक्स का मान ज्ञात करो, राइट। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, ये पहले तो समझते हैं कि कौन सा समीकरण क्या है, सरल समीकरण है या युगपत समीकरण है। यहाँ केवल हम x का वैल्यू निकालना है, सिंगल वैल्यू निकालना है, इसलिए मुझे क्या है, ये सरल समीकरण है। तो हम अभी मैंने समझाया कि सरल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, राइट, चलते हैं तब। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, राइट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3, तो हम ऐसा लिख सकते हैं x प्लस 6 इसका जो 5। देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्व करते हैं, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 7x माइनस 5, अब यहाँ इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 30, क्या हुआ है 5 × 6, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 17x इसका टू लिख सकते हैं 30 माइनस 30 प्लस 5, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहां से हम देखते हैं लिख, यहां 70 नहीं है, सॉरी ये 70 नहीं है, ये 7x, क्या है 7x, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए यहां 7x, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5 35, ये चला जाएगा डिवाइड में 7, क्या हो जाएगा x = 5। बहुत सिंपल था, इस तरह हम लोग ने देखा। अब अभी मैंने और एक क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो सरल समीकरण से है, राइट। और ये 2004 में एनसीईआरटी में पूछा गया एक सवाल है, क्या है, तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है 4 x - 1 + 2 x + 1 = 1 x - 1। इसमें से मुझे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, राइट। तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं और x का मान कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, इसमें फ्रैक्शन में है डिवाइड में है, तो इसका इस तरह वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, राइट। तो क्या होगा इसका, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इससे एक टर्म को इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, x + 1, तो इसको ले सकते हैं 4 × x + 1 + 2 × x - 1 प्लस इसको 2 × 1 / x - 1, राइट। अब हम लोग यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड में अगर इक्वल टू के उस साइड चला जाएगा तो इसमें क्या हो जाता है, ये इनटू में चला जाता है, तो क्या होगा 4 x + 1 2 x - 1, इसको ले सकते हैं x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, ये ऊपर चला गया, राइट। तो यहां से इसको सिंपल काट सकते हैं, राइट। अब देखते हैं इसको डायरेक्टली इंटू कर देते हैं, ये दोनों को इंटू कर देते हैं, तो क्या होगा, यहां लिख सकते हैं 4x + 4 + 2x - 2 = x + 1, सिंपल। अब क्या करेंगे, x वाला टर्म को x वाला टर्म के साथ जोड़ेंगे, और जो कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट
टर्म के साथ, तो क्या होगा 6x प्लस 2 इक्वल टू x प्लस 1 लिख सकते हैं। अब ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस x इक्वल टू ये माइनस 1 वो साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x इक्वल टू माइनस 1। अब x इक्वल टू क्या होगा, ये इनटू में है तो इस चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा तो माइनस 1 ये इसका आंसर है, राइट। तो चलिए इसको सॉल्व मान लीजिए। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन वी टू वेरिएबल, हिंदी में बोले तो युगपत समीकरण। इससे पहले हम लोग अभी ने पढ़ा सिंपल इक्वेशन, सरल समीकरण, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, किस क्या कहते हैं सिंपल इक्वेशन, उसको मैंने अच्छे से बता दिया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग युगपत समीकरण, इक्वेशन विद टू वेरिएबल। इसको दो तरीका से सॉल्व करते हैं हम लोग, मेरे पास दो तरीका है, पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में बोले तो एलिमिनेशन को हम लोग बोलते हैं विलोपन विधि, और सब्स्टिट्यूशन मेथड को बोलते हैं स्थानापन विधि, राइट। तो हम लोग दो मेथड देखेंगे, उसमें से हम लोग अभी जो देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, कैसे फंक्शन करते हैं, हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो मैंने एक इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, वो इक्वेशन है, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरह सॉल्व करते हैं, राइट। यहाँ पूछ रहा है एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करें, क्या दिया हुआ है, एक्स तथा वाई के मान ज्ञात करें। इसमें क्या है, दो वेरिएबल है। अब हम लोग इसको समझेंगे एलिमिनेशन मेथड से, जब दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ कितना टर्म्स है, कितना अननोन टर्म्स है, एक्स है और एक वाई है, इसमें से किसी एक का टर्म्स को हम लोग एक जैसा बराबर कर देते हैं और उसमें से एक माइनस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा एक टर्म पूरा कट जाएगा और मुझे दूसरा टर्म मिलेगा और उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो कोई एक टर्म को हम लोग इसमें सिलेक्ट करते हैं, तो अभी मैंने सिलेक्ट किया एक सोलह टर्म्स को मैंने बराबर करने के लिए, तो उसको कैसे बराबर करेंगे, उसको कोफिशिएंट को देखते हैं क्या है, 7 and 2 है, 7 and 2 का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आएगा, 14, एलसीएम 14 आएगा, मतलब कि 7 को कितना से इंटू करेंगे कि 14 आएगा, 2 से, और 2 को 7 से। तो यहां से मेरा एक नया इक्वेशन बन गया, अब ये बन गया कितना, ये बन गया 14 एक्स, अब ये बन गया 10y, क्या बन गया 10y, अब ये बन गया क्या 90। इसी तरह 7 से इंटू करेंगे तो ये क्या बन गया 40x, ये बन गया 21y, अब ये हो गया 28, राइट। अब इसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा अलजेब्रा का रूल है वो सब अप्लाई होगा, तो ये प्लस कहां जाएगा, ये माइनस कहां जाएगा, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या बचा है मेरे पास, ये अब इसका साइन माइनस ना आ के पॉजिटिव हो गया, प्लस हो गया, तो प्लस 21 में 10 माइनस होगा तो क्या होगा 11y, और यहां से क्या आएगा 62, 19 है 28 को माइनस करते हैं तो मेरा क्या आएगा 62। तो अब यहां से मुझे एक का वैल्यू निकल जाएगा,
y का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 62/11। अब जो y का वैल्यू आया इसको इसका ओरिजिनल टर्म, इसका ओरिजिनल टर्म पहला इक्वेशन हो या दूसरा इक्वेशन का ओरिजिनल टर्म, ओरिजिनल टर्म क्या था सेकंड का आगे ओरिजिनल टर्म को टर्म को रखेंगे तो क्या होगा 2x 3y = 4 था, ये मेरा सेकंड इक्वेशन था, इसको मैंने बदल दिया है तो मेरा ये सेकंड इक्वेशन, इसमें y का वैल्यू को इतना पुट कर देंगे तो मेरा आंसर किसका आएगा x का वैल्यू आ जाएगा, तो इस तरह से x का वैल्यू एंड y का वैल्यू सेपरेटली आ जाएगा जो हमको एलिमिनेशन मेथड से मिलेगा, क्योंकि एलिमिनेशन क्योंकि इसमें क्या होता है इक्वेशन विद टू वेरिएबल में वो दो वेरिएबल का वैल्यू पता करना होता है, तो हमने इस विधि से दो वेरिएबल का अलग अलग वैल्यू इस तरह से पता करते हैं, चलिए एक्स का वैल्यू पता करते हैं, राइट एज इट इज लिखेंगे -3 × 62 / 11 = 4, राइट। अब यहां से क्या आगे इसको इंटू करेंगे 2x = 4 + इसको इंटू करेंगे तो 186/11 आएगा, राइट, और इसको ईसा लिखना है इसलिए 4 प्लस इसको इंटू करके लिखे 186/11। अब यहां से क्या करेंगे एक का वैल्यू x का वैल्यू निकालेंगे x + 186/11 इसमें है ये इनटू में है इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, राइट, तो ये वाला पहले काम कंप्लीट कर लेते हैं, राइट, तो क्या आया यहां पे 4 + 186/11 को किस तरह जोड़ते हैं इसको 1 मान लेते हैं क्या हो जाएगा मेरा एलसीएम 11, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 44 + 186, राइट, तो क्या होगा यहां पे 6 10 8 4 12 13 2 11, राइट, तो केवल ये पार्ट हुआ डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होगा एटले 230/22, इसको कैंसिल कर सकते हैं आराम से कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहां से था तो यहां से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यहां पे इतना बड़ा लिखने का दर्जा नहीं था तो 2 7 कैंसिल करके क्या था 11 × 22 × 5, तो क्या आता 150/11 = किसका x का वैल्यू क्या आता 115/11, ये इसका x का आंसर और यहां से y का आंसर, राइट, इस तरह से हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके दोनों वेरिएबल का सेपरेटली आंसर निकाल लिया, राइट, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे समीकरण को सॉल्व करते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन के हेल्प से समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को हेल्प करके कैसे इक्वेशन को सॉल्व करें, गिवन है इसमें हमको फाइंड करना है x और y का वैल्यू फाइंड करना है और दो इक्वेशन दिया हुआ है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क, इसके हेल्प से हमको क्या निकालना है x और y का वैल्यू को निकालना है, राइट, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में
ये करते हैं कि कोई एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं और वहां से एक वैल्यू को निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर हम पहला इक्वेशन पकड़े, इसमें से क्योंकि इसमें x और y दो अननोन है, राइट, तो क्या करेंगे, किसी x को मान लीजिए इसमें हम दोनों अननोन ही है, तो इसमें हम लोग करते हैं कि या तो x का वैल्यू को पकड़ेंगे या y का वैल्यू को पकड़ के चलेंगे। यदि इसमें हम x का वैल्यू को पकड़ के चलते हैं तो x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 40 - 4y, और ये जो आया x का वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन में पुट कर देंगे, और इस तरह से मेरा यहां से एक का वैल्यू निकल आया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि यहां से हमने निकाला क्या, x का वैल्यू 14 - 4y। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसके बाद देखते हैं 7x का जगह लिखेंगे 14 - 4y - 3y = 5। अब यहाँ टर्म्स क्या है, केवल y है इसमें, तब अगर अब केवल y है तो यहाँ से हमको हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो दो वेरिएबल अब है नहीं, राइट। तो अब ये रूप लिया है सिंपल इक्वेशन का, राइट, यहां तक आ गए। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसे और आगे सकते हैं, y टर्म को एक साइड कर देते हैं और जो कॉन्स्टेंट टर्म उसको एक साइड कर देते हैं, तो 98 है यहाँ प्लस, अगर ऐसे हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 593 = ये भी प्लस क्या हो जाएगा, 31, क्या होगा, 31y। अब यहाँ से y का वैल्यू क्या निकलेगा, y = 93 / 31, राइट। अगर 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 31, तो कितना टाइम में कटेगा ये, 3 times। तो यहां से y का वैल्यू क्या है, 3। अब इस y का वैल्यू को क्या करेंगे, पहला वाला टर्म में पुट करेंगे, इसको अब पुट करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, राइट। अब इसमें पुट करते हैं इसका y का वैल्यू को, तो x यहां लिखते हैं x + 4 * क्या था y का, 3 = 40, राइट। तो यहां से मेरा सिंपल x का वैल्यू निकल जाएगा, डायरेक्ट x = क्या आएगा, 14, ये 4 = 12 ऊपर चला जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, x = 2। इस तरह से हमने देखा कि y का वैल्यू और x का वैल्यू हमने निकाला कौन सा मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कोई एक इक्वेशन को शुरू में सेलेक्ट कर लेते हैं, वहां से कोई एक का वैल्यू को मान लेते हैं, कि x का अगर मान लेते हैं, x अगर y का लेते हैं, तो y जो सिंपल मुझे लगे, जो आसानी से हो सके, तो यहां से मैं सोचा x का वैल्यू, x का वैल्यू यहां से क्या होगा, अगर इस इक्वेशन सॉल्व करें तो x = क्या आएगा, इतना आएगा, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिए, और वहां से पुट करने से मेरा y का वैल्यू आ गया, और y का वैल्यू आ गया तो इसको फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया तो मेरा x आ गया। इस तरह से हमने देखा x और y का वैल्यू फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। स्थानापन्न विधि के द्वारा हम लोगों ने x और y का वैल्यू को निकाल के देख लिया और समझ लिया।